हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने थ्योरम नंबर 6.6 ख़त्म किया, जो कि सिमिलरिटी दिखा रहा था एरिया, जो ट्रायंगल दो होते हैं उनके एरिया के बीच की। क्लियर? आज नया थ्योरम सीखेंगे। मैंने कहा था कि आपके सिलेबस में दो थ्योरम हैं और वो दो थ्योरम के बारे में हमें डिस्कस करनी है। उसमें से एक है पाइथागोरस थ्योरम और एक जो सिमिलरिटी बिटवीन एरिया जो था, बिटवीन सॉरी टू ट्राइंगल जो था उसके बारे में है। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। लास्ट लाइन में मैंने आपको थ्योरम के बारे में क्या क्या लिखना होता है वो सारी बातें समझा दी, तो यहाँ से हम डायरेक्ट स्टेटमेंट से चालू करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअल में आप बहुत सारे टाइम से यूज़ करते आ रहे हो। क्लियर ना? नाइन्थ के अंदर भी आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था। ओके, अब यहाँ पे आपको उसका स्टेटमेंट सबसे पहले याद रखना है। तो स्टेटमेंट होगा क्या? स्टेटमेंट होगा कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, स्टेटमेंट बच्चों समझना खास, क्या? इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। क्लियर? यानी कि ये जो पूरा थियरम, ये जो स्टेटमेंट है, वो आप नॉर्मली अगर सीखते हो तो नॉर्मली हम क्या करते थे, सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन के लिए, सिखाने के लिए है ये फिगर, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी किया था। अगर मेरे पास ट्राइंगल ABC है और इसमें पाइथागोरस अप्लाई करना है जिसमें बी 90 हो, तो मैं लिखूंगा AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बाकी की दो साइड के स्क्वायर के टोटल के साथ। क्लियर? ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। ओके, चलिए प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर सिखा दिया था। हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, समझ लो बच्चों। प्रूव करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा गिवन, कौन सी चीज़ मुझे दी हुई होती है, उसके बाद मुझे प्रूव क्या करना है। तो गिवन के अंदर मैं एक ट्राइंगल ABC ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? ट्राइंगल ABC। तो और वो ट्राइंगल ABC क्या है? 90 डिग्री वाला। क्लियर? कोई भी एक एंगल मैंने क्या ले लिया, 90 डिग्री एंगल भी ले लिया उसमें मैंने 90। ठीक है, अब मुझे प्रूव क्या करना है, तो वो टू प्रूव में लिखूंगा। प्रूव क्या करना है, तो एक जो ट्राइंगल मेरे पास ABC है, ट्राइंगल मेरे पास ABC है जिसमें बी 90 है, तो प्रूव करने की बात तो सीधी दिख गई, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। क्लियर? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। रेडी? नाउ अब आपको इसके अंदर प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ भी बाहर से कुछ डालना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डाला था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाहर से एक नया अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं बी के ऊपर से, जो कहाँ पे जा रहा है, बी के ऊपर से जो कहाँ पे जा रहा है, एसी के ऊपर। कहाँ पे जा रहा है? एसी के ऊपर, समझना। बी के ऊपर से हम एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं जो कहाँ पे जा रहा है, एसी के ऊपर अल्टीट्यूड है। क्लियर? या जो क्या है, एक 90 डिग्री पे अल्टीट्यूड, जिसको मैं डी नाम दे देता हूँ। बराबर? क्या नाम दे दिया मैंने? डी। ओके, अब ये जो दो ट्राइंगल इसके ऊपर से निकले बाहर, वो दोनों ट्राइंगल के लिए आपको सबसे पहले सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। पूरे ट्राइंगल के साथ ये ऊपर वाला ट्राइंगल और पूरे ट्राइंगल के साथ ये नीचे वाला ट्राइंगल, बस ये चीज़ दिमाग में रखो। क्या? पाइथागोरस को प्रूव करने की सीधी ट्रिक है। क्या? पूरे ट्राइंगल के साथ ऊपर वाले ट्राइंगल को सिमिलर बनाना है और पूरे ट्राइंगल के साथ नीचे वाले ट्राइंगल को सिमिलर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं पूरे ट्राइंगल के साथ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, एंड ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ADB। क्लियर ना? ऊपर वाला ट्राइंगल ले लिया ADB, ADB ABC के साथ। अब दोनों के अंदर एंगल A तो कॉमन है, तो पहले लिख देते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, जो क्या है, कॉमन। मैं सिमिलैरिटी प्रूव कर रहा हूँ, मतलब मुझे कोई ना कोई क्राइटेरिया दिखाना पड़ेगा, तो मैंने एंगल का क्राइटेरिया दिखा दिया। दूसरा, एंगल B के साथ, देखो एंगल B के साथ, एंगल B, क्लियर, एंगल B के साथ, देखो ये एंगल B है जो कि 90 है, माफ कीजिए D आएगा। क्लियर? यहाँ बी के साथ डी है, बी के साथ ये 90 है तो ये भी 90 है, दिख ही रहा है आपको, बी पूरा 90 है तो यहाँ पे डी भी 90 है, यानी दूसरे के साथ ये जो डी है वो भी सेम बैठ गया, मतलब एंगल बी एंगल डी सेम हो गए 90 डिग्री, मीन्स राइट एंगल भी लिख सकते हो आप। सो अकॉर्डिंग टू विच थियरम, अकॉर्डिंग टू एंगल एंगल क्राइटेरियन रूल व्हाट वी कैन से, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ADP,
और अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल ले सकेंगे, जैसे कि पहली ए बी बाई ए डी, क्लियर ना, ए बी बाई ए डी, ये रहा देखो ए बी बाई ए डी, ओके। आप इसको अलग ड्रॉ करके भी समझ सकते हो, जैसे कि मैंने दो ट्राइंगल लिखे तो यहाँ पर इस दो ट्राइंगल को मैं अलग से ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ए रफ में करना आप ये चीज़, ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल ए डी सी, क्लियर, ए डी सॉरी ए डी बी, तो ए बी के साथ कौन, ए डी आएगा नीचे, सीधी सी बात आपको दिख रही है, और ए सी के साथ कौन आएगा, ए बी आएगा, ए सी के साथ, ए सी के साथ कौन आएगा, ए बी आएगा, और बी सी के साथ डी बी आएगा, सिंपल। मैंने इन दोनों को ही लिखना है, क्यों, क्योंकि मुझे ए बी और ए बी दो बार चाहिए ना मेरे प्रूफ में, ए बी चाहिए दो बार, देखो बस ये हिंट होती है, सारी बातें अंदर दी हुई होती है, सब आपको समझना होता है। ए बी दो बार चाहिए तो ए बी वाला लिया, इसको इक्वेशन वन नाम दे देता हूँ। वैसा ही मैं क्या करता हूँ, इस पूरे के साथ अब इस नीचे वाले को इक्वल करवाता हूँ, क्लियर, मीन्स इन फोर ट्राइंगल, इन नहीं लिख सकते, फोर लिख दो, फोर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, जो नीचे वाला ट्राइंगल है वो कौन सा है, बी डी सी, दिख रहा है ना, बी डी सी, उसके लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, सी तो कॉमन एंगल है, क्लियर, देखो सी एंगल कॉमन है दोनों में, ये रहा, और इसके अंदर भी बी और डी 90 है, इसके अंदर भी बी और डी 90 है ना, बी यहाँ पे भी 90, वहाँ पे डी भी 90, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएंगे, पहले ये कॉमन है और ये तो 90 है, तो यहाँ पे भी मैं क्या कह सकता हूँ, बाय बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन रूल, बाय एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन रूल, व्हाट वी कैन से, वी कैन से दैट ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल बी डी सी, सिंपल, ए बी सी जो है वह बी डी सी के साथ सिमिलर बैठ जाएगा, और अगर ये सिमिलर है तो इसको भी आप साइड में ऐसे ड्रॉ कर लो जैसे ऊपर मैंने किया, ए बी सी उसके साथ कौन सिमिलर है, बी डी सी, बराबर, तो ए बी के साथ कौन बैठेगा, बी डी, बी सी के साथ कौन बैठेगा, सी डी, और ए सी के साथ कौन बैठेगा, बी सी, बराबर। अब मुझे देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे बी सी चाहिए, तो मैं कौन से दो को लूँगा, भाई मैं बी सी वाले को लूँगा, पहले तो ये बी सी ले लिया, बी सी बाय डी सी, और सामने की साइड में बी सी एक और भी है तो वो चीज़ ये यहाँ से ले लूँगा, ए सी बाय बी सी, क्योंकि बी सी दो बार आ जाएगा, क्लियर ना, जिसकी ज़रूरत है बस उसी को लीजिए, क्या, जिसकी मुझे ज़रूरत है, जिसकी मुझे ज़रूरत है, बस हमें सिर्फ किसको लेना है, उसको ही लेना है, जिसकी मुझे ज़रूरत है हमें उसको ही लेना है, समझ में आई बात, रेडी, क्लियर, बस ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ओके। सो इक्वेशन वन और टू वो दोनों क्लियर हो गया, रेडी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन वन मेरा क्या था, इक्वेशन वन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इक्वेशन वन क्या था, ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू ए सी बाय ए बी, इक्वेशन वन था, तो ये ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको सामने जाने देते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी प्लस ए सी मिलेगा, इक्वेशन नंबर थ्री बोल देता हूँ इसको, ओके। थोड़ा क्या किया है, सिर्फ मैंने क्या किया है, थोड़ा मॉडिफाइड किया है, ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू ए सी बाय ए बी। सेम में इक्वेशन टू जो आपको दिख रहा है इस तरफ, ये जो है बी सी बाय सी डी वाला, उसको मैं लिख देता हूँ क्या, बी सी बाय सी डी इज इक्वल टू ए सी बाय बी सी, तो इसको भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या मिल जाएगा, इसको भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिलेगा, बी सी स्क्वायर सामने सी डी इंटू ए सी। चलिए ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर फोर, ओके, क्लियर। अब इस इक्वेशन को दोनों को ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर चाहिए ना, तो कर देता हूँ इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर दोनों का टोटल, इक्वेशन थ्री इक्वेशन फोर। चलो थ्री क्या है, ए बी स्क्वायर एल एच एस स्क्वायर एच एस के साइड टोटल कर दो, आर एच एस स्क्वायर एच एस के साइड कर दो, ए डी प्लस बी सी सी डी प्लस ए सी, क्लियर, कर दिया सबको टोटल, बट माफ कीजिए ए बी इंटू है, सॉरी ए डी इंटू बी सी सी डी इंटू ए सी, यहाँ पे प्लस नहीं है, इंटू आएगा ना, यहाँ पे इंटू, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है। चलिए अब ये दोनों चीज़ देखिए, ए डी इंटू क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, सी डी इंटू ए सी, सामने की साइड देख लीजिए, सी डी इंटू ए सी आ गया मेरे पास, और यहाँ पे ए सी इंटू ए डी आ गया, बराबर, ये दोनों चीज़ समझ ली अच्छी तरीके से, बराबर। चलो यहाँ पे क्या लिख दिया, ए डी इंटू ए सी आएगा, सॉरी माफ़ कीजिए, ए डी इंटू ए सी प्लस यहाँ पे क्या आ गया, सी डी इंटू ए सी। चलिए दोनों में कॉमन क्या है, ए सी कॉमन है, तो ए सी मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया, ए डी प्लस सी डी, ओके,
ए डी प्लस सी डी। अब फिगर में जरा हम नज़र लगाए तो ए डी प्लस सी डी क्या है, देखिए ये मेरी फिगर है, उसमें क्या है ए डी प्लस सी डी, पूरा ए सी है, तो लिख दूँ उसकी जगह पे क्या लिख दूँ, पूरा ए सी, ए डी प्लस सी डी की जगह पे ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, यानी बन जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सिंपल नॉर्मल सी बातें हैं, आपको सिमिलरिटी याद रखनी है बच्चों, किस तरीके से ट्राइंगल बने हैं, किस तरीके से ट्राइंगल मैंने लिया है, कौन कौन चीज़ों पे कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखने को मैंने बताया है, क्लियर, ये सारी बातें आप लोग को पता होनी चाहिए तो ही आप पाइथागोरस थ्योरम लिख पाओगे। समझ में आई बात बच्चों, तो ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से, आपको प्रिपरेशन करनी है, कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक ना हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।